देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि एक मंदबुद्धि मरीज ने वार्ड में शिफ्ट एक दूसरे मरीज को पटक कर केवल इसलिए मार दिया कि वह उसके बेड भूलकर पास में भर्ती दूसरे मरीज के बेड पर जबरदस्ती लेटने लगा था। सूचने पर पहुंची पुलिस ने हंसराम के शव को शवग्राम में रख दिया है। वहीं पुलिस ने मंदबुद्धि अब्दुल रहमान और उसके पिता हाजी शराफत को चौक कोतवाली ले आई। यही नहीं, पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत हत्यारे अब्दुल रहमान को हिरासत में ले लिया। थाना कोतवाली अंतर्गत जिला अस्पताल में एक हंसराम नाम का व्यक्ति एडमिट था, जिसको पत्नी की शिकायत थी और ये कल रात एडमिट हुआ था। ये थाना सिंदौली क्षेत्र का रहने वाला और उसी वार्ड में ही एक अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति वो एडमिट था, जो थोड़ा मानसिक रूप से अनस्टेबल भी था। आज सुबह ये रहमान गया कहीं पानी वानी पीने के लिए, उसके बाद जब वो लौटा तो उसे ये लगा कि ये हंसराम उसके बिस्तर पर लेटे हुए हैं। इस बात पर उसने उससे बहस की और उसको उठने के लिए ज़बरदस्ती कहा। उसने कहा नहीं, ये मेरा ही बेड है, तो उसने उसको ढकेल दिया, जिसके कारण कुछ अंदरूनी चोट आने कर उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उधर गए गए के लिए थे, तुम तो यहाँ पर बैठे थे उधर। उधर मैं कमरा चले गए थे, ये कमरा तो यही था मेरा। अच्छा, फिर तुमने उसको कितना पटका? बस खुदा की मर्जी थी। खुदा की मर्जी तो थी, लेकिन तुमने उसको पटक दिया, वो तो मर गया। क्यों पटका तुमने? हैं? तुमने क्यों पटका, जवाब दो ना। पटका नहीं, तुमने नीचे लिटा दिया। तो तुमने नीचे लिटा दिया, वो तो मर गया। तुमने उससे बोले काय के लिए? कोई तुम्हारी लड़ाई थी, कोई रंजिश थी, तुम्हें लेना देना क्या था उससे? क्यों बोले उससे तुम? हम नहीं बोले हैं यार। रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले।